विपक्ष में भी ऐसे बहुत से नेता हैं जो निजी तौर पर आपको पसंद करते हैं, हो सकता है उनकी पार्टी की मजबूरी हो कि आपको विरोध करना पड़ता है, आपके खिलाफ बोलना पड़ता है, लेकिन विपक्ष में ऐसा कौन नेता जो नरेंद्र मोदी को पसंद हो? ऐसा है कि मैं नाम बताऊँ अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपने देखा, मैं अलग से उदाहरण दे रहा हूँ, कोर्ट के अंदर वकीलों के बीच में कैसे लड़ाई होती है, लेकिन उनके पारिवारिक दोस्ताना बहुत अच्छा होता है, ये आपको दिखता है। पॉलिटिकल फील्ड में भी बहुत कुछ होने के बाद भी अपनापन भी तो होता है जी, अपनापन होता है। जैसे प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के थे, अब मुझे याद है कि 2019 के चुनाव में, चुनाव के दरमियान उन्होंने 3-4 बार मुझे फ़ोन किया होगा, इलेक्शन 19 में, हाँ, उन्होंने कहा भाई मोदी जी मेरा एक क्षेत्र नहीं है, लेकिन इतनी मेहनत करोगे तबीयत को कौन देखता है। वो तो कांग्रेस से थे, मैं तो बीजेपी का था, बिल्कुल, और मैं कांग्रेस को हराने के लिए काम कर रहा था 19 में, फिर भी वो मुझे फोन करके कहते थे। आप भी तो उन्हें दादा बोलकर बहुत सम्मान करते। हाँ, मैं उनको बहुत सम्मान करता, और वो तो मैं सीएम बना उसके पहले भी करता था। ऐसा होता था कि मैं यहाँ दिल्ली में रहता था, मॉर्निंग वॉक के लिए मैं ये राष्ट्रपति भवनों के उस इलाके में जाता था। प्रणव दा को भी मॉर्निंग वॉक की पद्धति थी, तो एक छोटा डंडा रखते थे, मैं सामने मिल गए तो उनके पैर छूता था। उस समय जो आप संगठन का काम देखते थे, मैं पार्टी का संगठन करता था, वो कांग्रेस के मिनिस्टर थे, वो पैर चलते थे, मैं उनके पैर छूता था। सार्वजनिक जीवन में जी हमें सबको, अब जैसे हमने नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया, हमने प्रणब दा को भारत रत्न दिया, उससे कोई वोट पाने का काम नहीं है जी। इस देश में ऐसा तो नहीं चल सकता, मेरे मेरों के लिए, मेरे परिवार के लिए मैं करूँगा,